Hi guys, this is JR and you are watching Work at Our Job Bell for Friends. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पूरी की पूरी जॉब अपडेट्स, संपूर्ण जॉब अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को टच कर लें ताकि आपको नई नई जॉब की अपडेट्स जल्दी से जल्दी पहुँचे। और अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि प्रेजेंट टाइम हम लोगों के पास अभी रनिंग में कौन सी जॉब्स है, कौन सी चल रही है। क्योंकि होता ये है कि डेली का जो है 100-200 कॉल आता है, उसमें से 30-40% ऐसे कॉल्स रहते हैं जो अपडेट ही पूछते हैं कि अभी सर प्रेजेंट टाइम में कौन सा प्रेजेंट में खाली है, कौन सा वैकेंसी चल रहा है, उसका थोड़ा डिटेल्स दीजिए। तो वही आप कंफ्यूजन ना होना, वही आप बार बार कॉल करके नहीं पूछना। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके रिगार्डिंग हफ्ते में एक बार जब 3-4 वैकेंसीज आ जाती है, रनिंग हो जाती है, चल जाती है, उसके बाद हम लोग एक अपडेट डालते हैं अपने पास जो वीकली वंस में या 15 डेज वंस में कि जो प्रेजेंट टाइम में वो वैकेंसी चल रही है कि नहीं चल रही, उसमें पोस्ट खाली है या नहीं है, वो वैकेंट है या नहीं है। तो गाइस वही सारी जॉब्स की अपडेट मैं आज आपको देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, एंड तक देखें, देखने के बाद ही कॉल और एसएमएस करें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट टाइम में हेल्पर वालों के लिए कपड़े की फैक्ट्री में केरला वाली जॉब्स अभी रनिंग है, चल रही है। इसके अलावा बेंगलोर में भी कपड़े के लाइन में गारमेंट्स में जॉब चल रही है। दोनों का अलग अलग जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो में दे रखा है, पिछले वीडियो में बना के डाल रखा है। फिर भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं, केरला वालों के लिए हेल्पर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स दोनों रिक्वायरमेंट रहता है। वहाँ पे फूड और रूम की फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है, प्लस जो है स्टार्टिंग सैलरी 10 से लगाकर 13 तक रहती है। अब उसमें कैसे 10 से 13 रहती है कि वो आप एक बार कॉल करेंगे तो हम लोग पूरा डिटेल्स में बता देंगे। बेंगलोर में जो जॉब चल रही है गारमेंट्स में कपड़े की फैक्ट्री के, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट है और ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट है। उसमें खाने की फैसिलिटी नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ रूम की फैसिलिटीज है। इसके अलावा हम लोगों के पास सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपर्स वगैरह की जो हाई सैलरी वाली जॉब्स रहती है, जो फील्ड वर्क के रिलेटेड रहती है, जिसमें जेन्युइन इनकम होती है, जिसमें जेन्युइन सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि जो है क्या बोला नहीं 25-40 साल वाले आएंगे जो है कमीशन बेस पे काम करेंगे, समझते हैं ना, अनलिमिटेड जिसको अर्निंग बोलते हैं, वैसा कुछ फेक यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे रियल होता है, जेन्युइन होता है, जो हम लोग कर सकते हैं। इम्पॉसिबल लाइक हम लोग जॉब देते नहीं है, जो दूसरे एजेंसी वाले ये देखता हूँ मैं कि जो है आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, इसमें ये कमा सकते हैं, वो कमा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जेन्युइन जॉब देखने को मिलती है, जो आप रियल में कर सकते हैं और करते हैं। तो फील्ड वर्क के रिलेटेड लाइक सेल्समैन हुआ, सेल्स एग्जीक्यूटिव हुआ, मार्केटिंग मैन हुआ, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हुआ, बिजनेस डेवलपर्स हुआ, तो वो सारी जॉब्स भी चल रही है अभी, जिसकी सैलरी स्टार्टिंग 18 से लगाकर 25-26-30 तक जो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, और वो जेन्युइन सैलरी रहती है, रियल सैलरी रहती है। मार्केटिंग वाले बंदों का सैलरी जो है 30-35 तक रहती है, प्लस एक्स्ट्रा इंसेंटिव वगैरह, एक्स्ट्रा जो है प्रमोशन वगैरह, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वगैरह बहुत सारा इसमें रहता है। इसके अलावा आपको जो है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स देखने को मिलेगी, जिसमें जो है मैंने पहले ही मेंशन किया था कि जो है 18 से लगाकर 40-45 साल वाले भी इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। वो जॉब्स भी इसमें आपको जो है अभी चल रही है, उसके लिए भी आप चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है अनपढ़ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही मेंशन कर रखा है आपके लिए ऊपर में थंबनेल में टाइटल में, अनपढ़ से लगाकर ग्रेजुएशन तक, इसमें अनपढ़ वाले भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट कुछ भी नहीं मायने नहीं रखता और पढ़ाई भी मायने नहीं रखता है। अगर आप कम हाइट के हैं, ज़्यादा हाइट के हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, तो भी चलता है इसमें।
मैंने ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, उसमें दे रखा है। चाहिए तो उसका जो है लिंक मैं ऊपर में आई बटन पे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका भी आप चाहिए तो देख सकते हैं, वो भी जो अभी चल रही है। इसके अलावा इवेंट और प्रमोशन प्रमोटर का वो जॉब्स अभी हाल फिलहाल में स्टॉफ है, हम लोगों के पास वो जॉब्स अभी खाली नहीं है। इसके अलावा जो पार्ट टाइम जॉब्स मांगते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स गाइस अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोगों के पास नहीं है। ऑलरेडी जो है लोकल कैंडिडेट्स हम लोगों के पास बहुत सारे हैं, या फिर जो ऑलरेडी कर रहे हैं उसी के रिलेटेड में, उसी के फ्रेंड सर्कल में हम लोगों के पास रेफरेंस मिल जाता है और वही जॉब्स जो है करते रहते हैं लोग। हालांकि बीच में आया था अभी नवरात्रि के दिन में, 9 दिन तक की चलने वाली जॉब्स थी वो, रात के समय जो है था, रात के 6 बजे सॉरी शाम के 6 बजे से लगाकर रात के 1 बजे तक चलने वाली जॉब्स थी हम लोगों के पास। उसमें जो है जहाँ डांडिया गरबा वगैरह खेला जाता ना, वहाँ पे जो चाय प्रमोशन का था, चाय बना के पिलाना रहता था और वहाँ पे सेल करना रहता था, अच्छा चला था और काफ़ी जो कैंडिडेट्स ज्वाइन हुए थे इसमें। लेकिन ये था कि हमारे सर्कल में ही वो जो है कैंडिडेट्स मिल गए थे, इसलिए हम लोगों ने वो वीडियो नहीं डाला था और वो नहीं बनाया था। अभी पार्ट टाइम प्रेजेंट टाइम में हम लोगों के पास कौन सी भी वैकेंसी नहीं है, फिलहाल की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर में बहुत सारी आती जाती रहती है। पार्ट टाइम में सॉरी प्रेजेंट टाइम में पार्ट टाइम लाइक कौन सी भी जॉब्स नहीं है। इसके अलावा प्रमोशन प्रमोटर का जॉब्स आपको देखने को मिल जाएगा। आप प्रमोशन प्रमोटर प्रमोटर के लाइन में जाना चाहते हैं तो कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम लोगों के पास प्रमोटर की जो वैकेंसी एनी टाइम अवेलेबल रहती है। बहुत सारी कंपनी में हम लोगों का कैंडिडेट्स ऑलरेडी ज्वाइन है, वहाँ पे कर रहा है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में भी हम लोगों के थ्रू जो है कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है प्रमोशन में प्रमोटर में। और जो बेंगलोर में जो है सुपरमार्केट हाइपर मार्केट है, वहाँ पे इस फेस को तो सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इस चेहरे को, क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी जो है जान पहचान है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों के सेल्समैन सेल्समैन सेल्स एग्जीक्यूटिव और जो है प्रमोशन इवेंट वगैरह होता रहता है, तो स्टोर वाले से जो है काफ़ी अच्छी जो है जानकारी होती है। तो फ्रेंड्स प्रमोशन की अभी चल रही है, प्रमोशन प्रमोटर की और सिक्योरिटी गार्ड की चल रही है और हेल्पर की अभी वैकेंसी चल रही है। और इसके अलावा आने वाली जॉब्स जो है मैकेनिक वालों के लिए होने वाली है। तो गाइस आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लोगों के लिए, जो काफ़ी जो है कॉल्स करके पूछते रहते कि सर अभी कौन सी जॉब चल रही है कौन सी नहीं चल रही है, उन लोगों के लिए। अब बात करता हूँ मैं उन लोगों की जो काफ़ी जो है अपने वीडियो में बोलते हैं कि रिज्यूम भेजो और जो है और रिज्यूम भेजने कुछ नहीं होता और वो लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं रिज्यूम से। तो फ्रेंड्स एक बात बता देता हूँ, रिज्यूम से कोई पैसा नहीं कमाता है। हमारे पास ग्रेजुएशन जॉब्स में, हाई प्रोफाइल जॉब्स में पहले रिज्यूम ही रिक्वायरमेंट रहता है, और हमारे पास नहीं, आप कौन सी भी कंपनी में जाएंगे ना तो पहले आपका बायोडाटा पूछा जाता है, रिज्यूम पूछा जाता है। ऐसी कौन सी भी कंपनी और एजेंसी नहीं है जो दावा करती है कि मैं बिना रिज्यूम का या फिर बिना बायोडाटा का जो है उसको ज्वाइन कर लूंगा प्राइवेट लिमिटेड में, बड़ी बड़ी जो है कंपनियों में। नॉट पॉसिबल, मैं ये मान नहीं सकता, वो समझ लीजिए कि फेक है। हाँ आपको बोलेंगे कि एक बार ऑफिस विजिट कीजिए, अपना जो है डॉक्यूमेंट्स आप लेके आइए, कभी भी ऑफिस विजिट कीजिए, आप लोगों को एनी टाइम जॉब रेडी मिलेगी या फिर तैयार मिलेगी। वो सिर्फ आपको लूटने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ आपसे पैसा निकलवाने की बात करते हैं, बस उतना ही। आपको जो है 3-4 प्रोफाइल दिखा दी जाएगी जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, वो प्रोफाइल दिखा दी जाएगी, फिर आपसे जो बोलेंगे कि 4,000 रुपये का दे दे भाई, 4,000 रुपये फीस दे दे और हम लोगों के पास ज्वाइन मिलेगी। तो हाँ हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोग जो चलते हैं वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर क्लाइंट बोल दे कि हम लोगों को जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए तो हम लोग उसको एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही दे पाएंगे। अगर क्लाइंट बोल दे कि हम लोगों को फ्रेशर चाहिए तो फ्रेशर ही दे पाएंगे। हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करने वाले होते हैं, क्योंकि हम लोग अपने घर में भाई किसी को जॉब नहीं देते हैं, हम लोग जो जॉब क्लाइंट के अकॉर्डिंग देते हैं, जैसे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहता है, जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है, उसके हिसाब से हम लोगों को फुलफिल करना रहता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके एक बार ऑफिस विजिट करो, आपको जो है जॉब मिल जाएगी। नहीं, हम लोगों के पास जो जॉब रहेगी वही मिलेगी।
ऐसा नहीं कि जो है आप जो है एक मैकेनिक का जो है डिप्लोमा लेके आते हैं, आपको कुछ और जॉब पकड़ा दी जाती है और आपसे 4-5 हज़ार रुपये 3 हज़ार रुपये जो है ज्वाइनिंग फीस के नाम पे लिया जाता है, फिर आप चाहे कुछ भी करें, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जेन्युइन जॉब मिलती है, रियल जॉब मिलती है, और वो भी फ्री में मिलती है, फ्री में, कुछ भी एक भी रुपए चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री में जॉब्स मिलती है। तो गाइस लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा कि हैप्पी दशहरा उन लोगों के लिए जो यहाँ लोकल वाले हैं, और हैप्पी रामनवमी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और कमेंट्स करना कभी ना भूले, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना कभी ना भूले, ताकि उन लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। तो गाइस मिलते हैं कुछ अच्छी जॉब्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।